नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। श्रेयस गोपाल वैसे तो खराब फॉर्म से अब तक गुजर रहे थे, पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने उन्हें फॉर्म में लाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, वो भी कैसे, तो अपना विकेट फेंक कर। इसमें रोहित शर्मा और ईशान किशन का शत प्रतिशत योगदान रहा। दोनों बल्लेबाज लगातार दो गेंदों पर आउट हो गए और इस आउट होने की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने मैच में वापसी कर ली और श्रेयस गोपाल तो फॉर्म में आ ही गए। चूंकि इस मुकाबले से पहले चार मैचों में सिर्फ दो ही विकेट श्रेयस गोपाल ले पाए थे और मुंबई के खिलाफ लगातार दो गेंदों पर उन्होंने दो विकेट अपने नाम कर लिए। मुंबई इंडियंस की पारी के 10वें ओवर में श्रेयस गोपाल गेंदबाजी करने आए थे और पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को टांग देना चाहते थे, पर बल्ले पर सही से गेंद आई नहीं, मिस टाइम हुए और एक आसान सा कैच बड़े प्यार से राहुल तेवतिया ने ले लिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी रोहित शर्मा 23 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने दो चौके के साथ तीन छक्के भी लगाए। इसके अगली ही गेंद पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए और सोचने वाली बात यह है कि एक बड़े झटके के बाद कोई भी बल्लेबाज पहली गेंद को आराम से खेलना चाहेगा, पर ईशान किशन आत्मविश्वास से लबरेज थे, पहली गेंद पर ही उठाकर हीरो बनना चाहते थे। मिस टाइम हुए और संजू सैमसन ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की, खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। इस तरह लगातार दो गेंदों पर श्रेयस गोपाल ने चटकाए दो विकेट। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम मैच खेलने के लिए उतरी है और दोनों टीमों की निगाह इस समय जीत पर है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।